1, 2, 3। हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधर हूँ। बीपीएससी एससी 68 बीपीएससी एससी का जो पेपर है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उसमें भी खासकर भी जो बिहार का सेक्शन है जहाँ से कुछ नया इनोवेटिव टाइप का एससी आया है उसको हम देख रहे हैं। यह चीज़ें सामने आपकी दिख रही है, क्या दिख रही है? तो 69 बीपीएससी वेट पीटी मेंस एससी स्टार्ट हो रहा है 2 जून से। रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आप लोग जुड़ सकते हैं, और यह नंबर है 7678599093। ठीक है, हम लोग टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है, यह टॉपिक है हमारा, पहले देख लीजिए, ये हमारा फिगर दिख रहा है, फिगर पर मैं बाद में आऊँगा। पहले हमारा जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपका देखिए ये है, और इसमें इसमें 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन में जो बिहार वाला सेक्शन है इसमें हम लोग आते हैं। बिहार वाले सेक्शन में जो 4 टॉपिक है और 1 टॉपिक है पानी में मछड़िया नौना कुटिया बखरा। ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं और डिटेल में समझते हैं। पानी में मछड़िया और नौना कुटिया बखरा। बीज होने से पहले फल मिल जाएगा है? अरे बीज बोगे, उसको निराई सिंचाई आदि करोगे, देख रेख करोगे, प्लांटेशन अच्छे ढंग से होगी तो उसमें समय के साथ फल आएगा। लेकिन आपस में विवाद पहले ही हो गया, आप उस चक्कर में आप काम को ही स्थगित आप कर देंगे तो क्या फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पूर्व और पर का अखंड साम्राज्य चाहिए। हमें आपको आंसर में यह भी लिखना होगा। अगर आप नहीं लिखेंगे, केवल 110 लिखेंगे तो मार्क्स भी तो 110 ही मिलेगा। 300 मार्क्स में 30 मार्क्स दे देगा बाबा जी, गठिल्लो लेते रहोगे है? जब लिखोगे 10% 20% तो मार्क्स कितना मिल जाएगा? सोचने वाली बातें हैं। तो जब तक आप सारे पहलुओं को नहीं लिखेंगे 360 डिग्री पर, आपका आंसर पूरा नहीं माना जाएगा, अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। और यह कैसे होगा? तो इसमें आप पॉलिटिकल इश्यूज को भी डालिए, सोशल कल्चरल है उसको भी आप डालिए, कोई इकोनॉमिकल इश्यूज कनेक्ट हो रहा है आप इसको भी डालिए, शैक्षणिक एजुकेशनल है उसको भी डालिए, एक आम व्यक्ति की चीजें हैं आप उसको भी डालिए, जो जनमास से डे टू डे लाइफ में जो चीजें आप अनुभव कर रहे हैं। मैं कल के क्लास में भी बताया था कि आपकी जो शुरुआत होनी चाहिए एसे की, वह किससे होनी चाहिए? वह एक धमाकेदार शुरुआत ट्रेलर होनी चाहिए, एकदम सनसनाटा हुआ धमाकेदार एक डायलॉग से होनी चाहिए, अपने अनुभव से होनी चाहिए, पिटी पिटाई तरीके से नहीं। ऐसे का मतलब ही कुछ ऐसा ही, निबंध बिना किसी बंधन का उन्मुक्त होकर के आप लिखो, खूब लिखो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, वही लिखो जो इस रेंज में आता है, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। यानी आपने रेंज तो बना ही दिया इसी 360 डिग्री में, इसी परिधि में, इस परिधि की सारी बातों को लिखो, लेकिन इसके बाहर की बातों को बहुत ज्यादा लिखने की कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि पूछा जाए दोस्त पर निबंध तो हमने तैयारी करके हमने गया है, गाय पर निबंध तो हमने लिख दिया कि हमारा एक दोस्त है उसके पास एक गाय है और गाय दूध देती है, चपाया जानवर है, वह एक करती है वो करती है हाँ, और लास्ट में फिर से लिख दिया इस प्रकार हमारे दोस्त की जो गाय है बहुत अच्छी है, उससे हमें भी फायदा मिलता है, जो फायदा उसको है वो फायदा हमें मिलता है, और आप बस हो गया इससे समाप्त। तो इससे जबरदस्ती नहीं, जो उस रेंज को जो सटीक रेंज है ना, जो अग्नि मिसाइल की अगर 5000 किलोमीटर की रेंज है तो उस रेंज में जो भी आएगा 5000 किलोमीटर में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर अग्नि धरती आकाश सबको भेद डालेगा हमारा अग्नि मिसाइल। यही चीज होनी चाहिए उस रेंज में, रेंज से बाहर आपको नहीं जाना है। क्वेश्चंस की डिमांड को समझना है, उसके सामान्य अर्थ को समझना है, उसके विशिष्ट अर्थ को समझना है, उसके व्यापक संदर्भ को समझना है, उसके पीछे जो मूल उद्देश्य है, मूल जो भाव है, मूल भाव है उसको समझो, यह जरूरी है। इसके पीछे क्या दर्शन है,
क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी जो निबंध है अल्टीमेटली एक ही जगह लास्ट पर जाकर के लास्ट होता है। उसका जो मूल भाव है, क्रक्स है, वह क्या है, उसको पकड़ लेना है। तो इसमें यह जो है इसका मूल भाव कर्म फल सिद्धांत है। कर्म नहीं फल नहीं, कर्म पर जोर देना है। सारी आप सोचो इतिहास के अगर को हम देखें तो, या अर्थव्यवस्था को भी अगर देखें तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और भारत में आता है एक छोटा सा देश, कुछ खास मुट्ठी भर व्यापारी लोग आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं और भारत में 200 सालों तक शासन करता है। हम कहाँ थे, हम भारतीय कहाँ थे, किस फल में खोए हुए थे, किस अध्यात्म में खोए थे, किस परालौकिक मोक्ष की बातें सोच रहे थे, किस भविष्य की बातें सोच रहे थे, हम वर्तमान में क्यों नहीं जी रहे थे, हमने क्यों नहीं सोचा। पानीपत जब प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, 1857 की क्रांति हुई थी, सबने मिलकर के क्यों नहीं, वर्तमान में अगर आप जी रहे होते तो नहीं होता। हम ज्यादा दार्शनिक हो गए थे, हम फल के बारे में ज्यादा सोच रहे थे। यह कर्म, यह गीता का, रामायण का, महाभारत का यह धरती है, यह कर्म फल सिद्धांत, यह कर्मण्येवाधिकारस्ता की यह भूमि है, भारत की भूमि, और वहां पर हम भटक गए। आप भटकेंगे तो आप बहुत ही इसका बुरा परिणाम होगा, नौना कुटिया बखरा पहले ही कर लेंगे तो काम ही नहीं होगा, और उल्टा क्या होगा, उल्टा आपको उसका बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि कैसे हजार वर्षों तक मुगलों का और अंग्रेजों का, हम दूसरे बाहर से आए आक्रांताओं का हम शिकार होते रहे। पूरी इतिहास में इससे अच्छा कोई उदाहरण आप बताइए? एंशियंट टाइम में एक अलग बातें थी, लेकिन पूरी की पूरी मध्य काल एंशियंट में हमने कर्म पर जोर दिया था। जीवन के हर एक फील्ड में, सामाजिक सांस्कृतिक आर्ट्स एंड कल्चर्स हो, सब पर हमने काफी ध्यान दिया था। एक हमारी कर्मण्येवाद वहां पर झलकती थी, लेकिन पूरे मध्यकाल में आकर के चीजें कहीं ना कहीं हम इतने आध्यात्मिक हो गए, इतने हम दार्शनिक हो गए। नहीं, संतुलन जरूरी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार जो पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थ है, तो इसमें हम धर्म और अध्यात्म पर ज्यादा जोर देने लगे। जो अर्थ और काम है उसके साथ हम बैलेंस नहीं बना पाए, ठीक है, तो उसी की एक परिणाम रही है देश की गुलामी। तो कहने का मतलब है कि जीवन में सफलता और असफलता का जो मूल है वह यही है। पानी में मछलियां, नौना कुटिया बखरा, आपको सफल होना है, आपको फल चाहिए, आप बड़ा होना चाहते हैं तो बड़ा काम करना होगा, उसके अनुरूप आप प्लानिंग कीजिए और इंप्लीमेंट कीजिए। कौन छात्र सफल होता है, 5 लाख फॉर्म गिरता है, 5 लाख में 500 लोगों का सिलेक्शन होता है, 99.999 जितना 9 बैठाना है बैठा लीजिए, इतने लोग असफल हो जाते हैं। इसमें कौन असफल होता है और कौन सफल होता है, सोच सकते हैं? यह जो फल के बारे में ज्यादा सोचा तो सबने है भाई, सबने सोचा है ना कि हम SDM बनेंगे, DSP बनेंगे, IAS बनेंगे, SP बनेंगे, सोचा तो सबने है। शादी हो, सिलेक्शन हो जाएगा, शादी करेंगे, ऐसे नखरा करेंगे, ये होगा वो होगा, इतने बाल बच्चे होंगे, सारी चीजें प्लान कर लेते हैं, लेकिन सफल कितने होते हैं? जो नौना कुटिया बखरा के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो सफल हो ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल ही प्रत्यक्ष उदाहरण अपने अपने बीच से आप लीजिए। तो आप सोच लीजिए, कर्म पूर्व
पूर्व और पर में आप कर्म पर जोर देना चाहते हैं या फल के बारे में जोर 99.99 लोग जो हम होते हैं मानव, हम यही कहीं ना कहीं है। और जो 1% लोग 0.1% लोग जो होता है यहाँ पर कर्म पर जोर देता है और निश्चित रूप से सफल होता है, वही व्यक्ति चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक साहित्यिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, करियर हो, जॉब हो, सब क्षेत्र में वही सफल होता है। तो निबंध के मूल भाव को हमें लग रहा है आप समझ गए होंगे कि क्या डिमांड है, और उसी डिमांड के अनुरूप सारी पहलुओं को लिखेंगे, अपने अनुभव को डालेंगे, अलग अलग डायमेंशंस को डालेंगे, हर एक में झोंकेंगे। टाइम नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा मैं अलग अलग नहीं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। राजनीति के क्षेत्र में आप उदाहरण लीजिए, जो काम करता है अच्छे ढंग से, राजनीति में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, वोट आपको कैसे मिलेगा, जनता कैसे प्रभावित होगी। अब अरविंद केजरीवाल को आप देखिए, इस ससरा 5-10 साल में क्या कर दिया कि नेशनल लेवल की पार्टी हो गई, बताइए। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, इतना बड़ा राष्ट्र भारत है। 1857 की क्रांति को भी कई बार राष्ट्रीय आंदोलन मानने से हिचकिचाहट होती है, असहयोग आंदोलन में भी कह जाती है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं था, बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं था। इस ससुरा ने क्या कर दिया कि 10 साल में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई, नेशनल लेवल की पार्टी बन गई, इसने काम किया कहीं ना कहीं। तो पॉलिटिकल फील्ड में उदाहरण दीजिए, आर्थिक क्षेत्र में आप उदाहरण दीजिए, भरमार है लोग यहां पर। मान लेते हैं राजनीतिक क्षेत्र में की बातें करते हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में आप दिखाइए, उदाहरण दिखाइए कि कैसे जो कर्म पर जोर देता है फल की नहीं। अरविंद केजरीवाल ने थोड़े सोचा होगा कि हम इतने 10 साल में हम नेशनल लेवल की पार्टी बन जाएंगे, लेकिन उसने कर्म किया, वह आंदोलन की देनदार, जनता की नब्ज को पकड़ा, जनता की नब्ज को समझा। अब सूट बूट और कुर्ता पजामा वाला नेता तो सब देखते होंगे, यार बाप रे, आयरन चमका चमका करके ऐसा आयरन केल लगता है। अरविंद केजरीवाल को देखते हैं, घर से निकलेगा तो शर्ट को मोर मरा लगा, लगे कि हम आम आदमी है। लालू जी को देखते थे, नहीं पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, LLB किए हुए थे, लेकिन जनता के बीच में जनते जैसा बात, अब बुड़बक कहाँ के, अरे रोड बन जाए तब पुलिस ना आ जाए। जनता को लगता था ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, हमारे दुख दर्द को ये समझ रहे हैं, ये हमारे बीच से है। अब उनके बीच से था या नहीं था वो बातें अलग है, उस पर नहीं जाना है। अपने लिए कर रहे थे या अपने बच्चों के लिए कर रहे थे या जनता के लिए कर रहे थे, वह एक अलग मुद्दा है। लेकिन एक सफल राजनेता कहे जा सकते हैं, लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहे, अपने भी रहे, मेहरारुओं को रखे, अब धियापदा को, मतलब सत्ता का डेमोक्रेसी में राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र की तरह, तो बहुत बड़ी बातें हैं। तो आप पॉलिटिकल फील्ड से भी उदाहरण दीजिए, इकोनॉमिकल फील्ड में आप देखिए कि कैसे ओयो का जो ऑनर है रितेश अग्रवाल, कितने 10 साल के अंदर पूरे 18 देशों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। क्या फल की चिंता करके किया था, क्या ऐसा सोचा था, नहीं, करते जाइए करते जाइए, निरंतर आप मेहनत कीजिए, कर्म पर आप जोर देंगे तो ऑटोमेटिकली ही सब बखरा आप ही को मिलेगा, ठीक है, 9 जगह नहीं बटेगा, सब बखरा आप ही को मिलने वाला है, लेकिन कर्म पर आपको जोर देना है। एजुकेशन है, जॉब है, जॉब का एजुकेशन का बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग देख ही चुके हैं, आप अपने बीच से देखिए कि कितने लोग सफल हो रहे हैं, कितने लोग असफल हो रहे हैं, कौन जनता, आप अपनी अनुभव को यहाँ पर दिखाइए। तो इस ढंग से आप अपने एसे को लिखते हैं, उसमें लोकल टच अपने अनुभव को जरूर डालिए, आपका जो भोगा हुआ सत्य है, जो देखा हुआ अनुभव है, वह गुल्ली डंडा, वह हाफ पैंट और डारा और नारा वाला जो जीवन है, साइकिल वाले, उसको डालिए, जो आपने गांव घर में देखा है, अपनी भोजपुरी में, अपनी मैथिली में, अपनी मगही में, उस टच को आने दीजिए, उस मिट्टी के गंध को आने दीजिए, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। किताबी बातें नहीं, इट्स अ नॉट एक्सटेंशन ऑफ द जीएस, इट ऐसे इज द नॉट एक्सटेंशन ऑफ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस,
एक्सेट्रा, उसका एक्सटेंशन मात्र नहीं है, निबंध निबंध है, वो आत्मा है जो दिखता नहीं है। शरीर, हाथ पर, आंख कान को तो आप देख लेते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, ये क्या हमारे अंग की तरह है जिसको आप देख सकते हैं, जो मूर्त है। लेकिन निबंध मूर्त नहीं होता, वह आत्म तत्व है। आत्मा को जैसे आप देख नहीं सकते हैं, महसूस किया जा सकता है, वैसे ही निबंध आपको लिखना होगा। यह सब कुछ है, कण कण में निबंध है, अलग कुछ भी नहीं है, सब में निबंध है, निबंध में सब कुछ है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था, हम में ही सब है और हम सब में हैं, कुछ ऐसा ही निबंध है। उस आत्म तत्व को समझना होगा, बहुत अच्छा आप ऐसे लिखेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और एक रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर लगातार ये चीजें चल रही है, तो आप इसे जुड़ सकते हैं, चाहे वह पीटी क्लास हो, मेंस हो, और एससे में तो विशेष रूप से तो जुड़ेंगे, और इतनी सारे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे मुहावरा, लोकोक्तियां जो मैथिली, भोजपुरी, मगही, बिहार और हिंदी आदि में हैं, उसकी धजिया उड़ा देंगे। आप 25-50 का जो प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ भी छूटेगा नहीं, आपका रेंज वह अग्नि मिसाइल की तरह रेंज हो जाएगा, जिस आपके रेंज में चाइना, पाकिस्तान, सब पूरा वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ही तैयारी होनी चाहिए। 2 जून से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग जुड़िए, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। बीपीएससी का एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच 69th के लिए और आगे के लिए भी। तो डेट्स ऑल, फिर हम लोग एसएम में ही दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। जितना टफ से टफ टॉपिक है एसएम में, मैं सब करवा दूंगा। लोगों में एक खौवा क्रिएट हो गया कि बहुत भारी एसएम पूछ दिया था, है ना, तो ऐसा नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, सही गाइडलाइन और सही डायरेक्शन में, डायमेंशन में सोचने की आवश्यकता है। तो फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।